असुरराज सतपथराज असुरराज सतपथराज असुरराज सतपथराज असुरराज सतपथराज असुरराज सतपथराज असुरराज ओम नमो नारायणाय असुरराज सतपथराज असुरराज सतपथराज सतपथराज असुरराज सतपथराज देवताओं की माता अदिति भीषण तप अपने पुत्र को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है। ये सब तो महादेवी की तपस्या भंग करने के लिए आ रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो भगवान श्री विष्णु का, उनके भक्तों का और स्वयं भक्ति का अपमान होगा। मैं क्या करूं? कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से भी अच्छा विकल्प होता है। अधिकतर व्यक्ति अपने कल्याण को दूसरों के हित से अधिक महत्व देते हैं और वो इसे ही बुद्धिमानी कहते हैं। किंतु जो परहित को स्वहित से ऊपर रखते हैं उसे इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए सामान्य जन की भाषा में इसे मूर्खता भी कहा जाता है। परंतु तुझे ये मूर्खता करनी है गरुड़, जब कभी परोपकार का अवसर आए। संभव है अन्य व्यक्ति हिचकिचाए, पर तू मत झिझकना। कोई भी कारण क्यों ना हो, तू कभी परोपकार करने से पीछे मत हटना। माँ, परोपकार का वास्तविक अर्थ क्या है और मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका पालन कैसे कर सकता हूँ? स्वयं का हित सोचे बिना केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही परोपकार होता है। इसे निस्वार्थ भाव से करना होता है गरुड़, किसी लाभ अपेक्षा या प्रशंसा के बिना। और हाँ, ये तेरा कर्म है, इसे धर्म की तरह करना और फिर भूल जाना। मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। इन असुरों को माँ अदिति की तपस्या भंग करने नहीं दे सकता, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ो और विजय हमारी होगी। चलो। तो कोई देवता भी नहीं है। Thank you.
कौन है ये पक्षी जो हमें रोकने का दुस्साहस कर रहा है? आप सभी के चरणों में ये भाला आपके प्रति मेरे सम्मान का प्रतीक है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इसीलिए विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, कृपा आगे ना बढ़े। यहाँ परमपिता विष्णु जी के एक भक्त गहन तपस्या में लीन है। उनकी साधना में विघ्न डालना अधर्म होगा। यदि ये अधर्म हम कर ही दे तो यह मेरी तीसरी और अंतिम चेतावनी है। इसके बाद भी किसी ने आगे बढ़ने का निर्णय किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब इस दुस्साहसी को दंड देना ही होगा। हाँ, सेनापति जी, बड़े बड़े देवताओं से युद्ध करके आपने उन्हें धूल चटाई है। एक पक्षी को पराजित करने के लिए स्वयं मोर्चा लेना आपको शोभा नहीं देगा। हाँ सेनापति जी, स्वयं कार्य करने वाले छोटे कहलाते हैं। बड़ा बनना है तो शत्रु तक अपना दूत भेजना होगा। वाह, क्या सुझाव है। उत्तम विचार है सेनापति जी। सही कहा माली सुमाली, अब समय आ गया है कि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। लगता है मेरा संदेश उन्होंने सुना तो, किंतु समझा नहीं। अब दूत को अच्छे से समझाना होगा। जाओ, चले जाओ, पंख फैलाओ, उड़कर जाओ। सुनो, हमारे स्वामी को जाकर भागो, अपने प्राण। सेनापति कर रहे हैं सावधान, सुनो ध्यान से, छटपट जाओ, फिर ना मिलेगा रक्षादान। सुनो, समझो, हमारी विजय का बज रहा है गगनभेदी शंख, क्रोध से हमारे भस्म होगा। जिस पर तुम्हें है गर्व वो पंख। वो कह रहे हो, मुझे शीघ्र अति शीघ्र अदिति का तप। पर ये पक्षी, जाओ, चले जाओ, पंख फैलाओ, उड़कर जाओ, जाओ, चले जाओ। जाओ, चले जाओ, पंख फैलाओ, उड़कर जाओ,
जाओ जाओ, चले जाओ। बड़े विचित्र प्राणी हो तुम। यदि ईश्वर ने बोलने के लिए एक मुख दिया है तो सुनने के लिए दो कान भी तो दिए हैं, उनका भी प्रयोग किया करो। और दूत का कार्य केवल संदेश देना नहीं होता, उत्तर पहुंचाना भी होता। अब तुम मेरा संदेश अपने दोनों कान से और पूरे ध्यान से सुनो, हो सके तो अपने सेनापति को भी जाके समझा देना। बुद्धिमानी तो सब करते हैं, पर मैं मूर्खता ही करूंगा। अन्य सभी हिचकिचाते होंगे, पर मैं तनिक भी ना डरूंगा। मेरी माँ ने सिखाया है ये परम संस्कार, धर्म की तरह करना है मुझे परोपकार। इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प, युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। अवश्य ही ये उस पक्षी का संदेश है सेनापति जी। वीर भी है और वाचाल है, मूर्खता करने को तत्पर, अवश्य ही बुद्धिमान है, आयु में बालक, संकल्प में दृढ़। क्या कोई देवता हमारे सामने विद्यमान है? असंभव है ये, प्राणों के भय से छुपे हैं सब देव। वनिया की सिकंदरा में अच्छी तरह जानते हैं, हमारे सेनापति साक्षात काल हैं। काल हैं। अर्जित समय में की गई कर्णप्रिय बातें अच्छी नहीं होती। ये कौन है और किसके कहने पर आया है, ये हमें पता करना होगा। हो तुम? मेरा नाम या मेरा कुल जानने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माँ कहती है व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके कर्म से होती है, और मेरा कर्म इस तपोभूमि की रक्षा करना है। तपोभूमि की या तप करने वाली की? उसके पुत्र पहले ही कायरों के भांति अपने प्राणों को बचाकर कहीं छिपे हुए हैं, तो तुम अपने प्राणों की आहुति क्यों देना चाहते हो? संबंध ही क्या है तुम्हारा उसके साथ? धर्म का संबंध है मेरा। माँ कहती है धरती के कण कण में प्रभु श्री विष्णु जी का वास है। चर अचर जड़ चेतन यहाँ तक कि सभी प्राणी भी उन्हीं का रूप है, और जब हम सब में एक ही ईश्वर कांच आपस में संबंधी हुए ना। बड़ी कम आयु में बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो तुम। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे। अद्भुत अद्भुत, इतनी अच्छी और सुंदर बातें सिखाने वाली कौन है तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे पिता? किसके पुत्र हो तुम? फिर से परिचय पर आ गए तो फिर एक और बात जान लो, पहले परिचय देने वाला दुर्बल कहलाता है।
मेरा बल मेरे भुजाओं की शिराओं में है। तू अपना परिचय देने से हिचक रहा है। मैं देता हूं अपना परिचय। असुर सेनापति हूं मैं, महान ऋषि कश्यप और माता दीदि का पुत्र बजरंग। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भैया। भैया, महर्षि कश्यप और माँ विनता का दूसरा पुत्र गरुड़ हूं मैं। हाँ, तो हम सचमुच भाई हैं। तब तो हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई तो देवता भी है, फिर उनसे युद्ध क्यों? वर्षों का पैर है हमारा, जो उनके अंत के साथ ही समाप्त होगा। तू उनका पक्ष मत ले करो, हमारे साथ हो जा। मैं तेरी शक्तियों से प्रभावित हूं, मैं तुझे अपनी सेना में ऊंचा पद दूंगा। आजा मेरे साथ। आपने मेरे विषय में सोचा, इतना अच्छा प्रस्ताव दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद भैया। किंतु पद और प्रतिष्ठा के लोभ में आकर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता। मूर्ख मत बन करोड़। मां ने सिखाया है, कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से भी अच्छा विकल्प होता है। और क्या लाभ होगा मूर्खता से? अपना भला सोच करोड़। हम असुर तुझे स्वर्ग का सुख प्रदान करेंगे। स्वर्ग का? मेरा स्वर्ग, मेरा सुख मेरी मां के चरणों में ही है। यदि आपको कुछ देना ही है तो देवताओं को दे दीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। देवता हमारे परम शत्रु हैं, इसलिए आज हम देव माता के तप को भंग करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः, ताकि देवता कभी हम पर विजय प्राप्त न कर सके। भैया, अदिति माँ आपकी भी माँ समान है, आपकी माता की बहन है वो, और उनकी इतने वर्षों की तपस्या भंग करके आप उन्हें कष्ट तो देंगे तो स्वयं भी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये महापाप मत कीजिए भैया, लौट जाइए। लौटना तो तुझे होगा गरुड़। बालक समझकर मैं तुझे समझा रहा था, पर यदि तूने हट नहीं छोड़ा तो अब मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। किंतु मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता, और अपने भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भयभीत हूं। आपके पास विकट दैत्य और असुर है, इतनी बड़ी सेना है, किंतु मैं भी दुर्बल नहीं। भक्ति का बल, धर्म की तलवार, सत्य की ढाल और मां के आशीर्वाद का मंगल कवच है मेरे पास, और जिसके पास इन चारों की शक्ति हो वो कभी नहीं हार सकता।